भाग्या जी, ऋषिपाल धीमन जी, मंजू महिमा जी, पुष्पलता शर्मा जी मैम, प्रणव मैम, इन सबके साथ आगे दीप प्रज्वलित करें और सरस्वती माता जी के को माल चढ़ाए और फूल आपसे अनुरोध है कि सरस्वती माता जी को हार भी चढ़ाए व पुष्प भी अर्पित करें। माँ के चरणों में रखती हूँ। जय माँ शारदे। वीणा वादिनी माँ सरस्वती, वीणा वादिनी माँ सरस्वती, नमन तुमको कर लूँ माँ, नमन तुमको कर लूँ। हमें मैडम से जल्दी विमान जी का भी इंतजार था, पर वो वरिष्ठ लेखिका है और ये हमारा सचमुच सौभाग्य है कि वो हमें हर पल गाइड करती रहती है। अच्छी है मधुमा, हमें इतना अच्छा गाइड करती है, किसी भी पल में अकेला महसूस नहीं होने देती। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज आप दोनों ने भी सलाह निकाला था हनुमान जी ने आपको, हमें अफसोस है कि हम आपकी श्रीमती जो खुल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी शुभकामनाएँ हमारे साथ का हमारे बचपन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती थी आज के दिन वे कौन है जो बनाए, जिसके बनाए रास्ते पर हम चल रहे हैं, एक चौड़ी सड़क और अमराई की ठंडी छाव में हम गा रहे हैं। वे कौन है जिन्होंने हमारे दिल में दबे जज्बातों को मुखर किया है, कविता के मोती को सीप में बो दिया है। आप सब जानते हैं कि वे कौन है, आप सब जानते हैं वे कौन है। वे दिलक हैं, वो अलोखे हैं, वे हजारों और करोड़ों में एक हैं, वे एक मिसाल है, मशाल है, लेकर देशभक्ति की वे आह्वान करते हैं कवियों का, लेकर देशभक्ति का वो आह्वान करते हैं कवियों का। उनका मानना है कि कविता सिपाही के कदमों की प्रेरणा है, सिपाही के कदमों की प्रेरणा है, नागरिकों के लिए मार्गदर्शिका है, इससे कोई शक नहीं है। ना सर के निर्देशानुसार न्यू अहमदाबाद का जन्म 11 अक्टूबर 2022 को हुआ और आज अक्टूबर का महीना है और आज हम इसका वार्षिक उत्सव जन्म मना रहे हैं। डॉक्टर कावेरी राव बहुत ही सक्रिय सदस्य थी, वह लगभग एक माह पूर्व नीदरलैंड शिफ्ट हो गए, इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। सितंबर 2023 तक उत्तर इकाई ने हर माह एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। जो पौधा बना और आज एक विशाल वृक्ष है, जिसकी छाया में बहुत सारे साहित्यकार, कवयित्री, कवि पोषित और पल्लवित हो रहे हैं और आज ये बहुत घना पेड़ हो गया है। जगह जगह इसकी शाखाएं हैं, जैसा कि बता दिया गया है, कई कल्पनाएं, कई भावनाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। यह मंच सच में नारी सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण बन रहा है, जिसकी पृष्ठभूमि में एक प्रगतिशील पुरुष की सोच है, क्योंकि उस व्यक्ति ने सोचा कि महिलाएं मंच पर क्यों नहीं है, वो सोच इस मंच को आगे बढ़ा रही। तो मैं मानती हूँ कि प्रगतिशील पुरुष ही सोच सकता है ऐसा, और इसकी जो पृष्ठभूमि है, प्रगतिशील पुरुष की सोच है, इस सोच को प्रचारित एवं प्रसारित करने का कार्य सुश्री रचना निगम जी, सुश्री मंजू महिमा जी और सुश्री मधु जोशी जी, जो हमारी अध्यक्ष हैं, वो कर रहे हैं और हमारे गुरुजन जो हैं कलर हैं पश्चिम इकाई की। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेके अब मैं उनके विवरण पे जाती हूँ, प्रतिवेदन पढ़ती हूँ कि इकाइयों की गोष्ठी किस तरह से हुई है। नवम्बर माह की गोष्ठी सुश्री दीपमाला जी के यहाँ, यही कहना चाहूँ
यहाँ इतना अच्छा लिखा मन से मंच तक, और महिलाओं के मंच मन को पढ़ना इतना आसान नहीं होता और ये एक ऐसा मंच है जिसने उनके मन की भावना को बाहर निकाला है। तो सारे मन की जो बातें होती है वो हम अपनी कविताओं के थ्रू सबको कहते हैं इस मंच पर, और हम थोड़ा बिल्कुल भी झिझक महसूस इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे साथ कोई पुरुष नहीं होते। जब हम कार्य गोष्ठियाँ करते हैं तो हम अपने खुलकर अपने मन की बात कर सकते हैं। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना मन से मंच तक, ये मेरे दिल को बहुत मतलब स्मार्टता है। तो अपने दिल की जो बातें हैं, अंदर की बातें हैं, देखो छुपा छुपा के रखती है ना, वो सब बाहर निकलती है कविताओं से, शायरियों से, गजलों से, और हर एक का एक अलग एक्सपीरियंस होता है और उसको सुन के हम फिर कुछ नया लिख पाते। एक ये सबसे बड़ा मेरा अनुभव है कि हर जना एक अलग चीज रखता है। जब हम काव्य गोष्ठी में उपस्थित होते हैं तो हर जने का एक अलग विषय होता है, और उस विषय पर हम जब सोचते हैं तो हम काफ़ी कुछ सोच लेते हैं कि आज हमने ये सुना था। अगर हम घर में ही रहते, सिर्फ रोटी ही बनाते रहते, बेलन ही पकड़ के रहते, तो शायद हमारे भाव और नहीं निकल पाते। तो ये जो एक मंच बन, और मैं जहाँ पहले पढ़ाती थी वहाँ लिखने का बहुत ही हर चीज़ को पोइट्रिक वे में रिपोर्ट हो या कुछ हो बहुत करती थी, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं था उससे कि क्यों लिखे। एक टाइम ऐसा आया कि मैं मधु मैम ने मुझे बोला मिले कि क्योंकि मैम बहुत अच्छा लिखते थे, मुझे पता था सरिता और वगैरह में, तो मैम ने मुझे बोला कि तुम लिखो, जुड़ जाओ महिला मंच से। तो मैंने कहा क्या करना, मैं डर गई, मैंने क्या करना है। तो बसंत पंचमी का अवसर था और ऑनलाइन कोरोना टाइम के समय, तो बोला कि लिख लो कुछ। तो अब ये मोटिवेशन मिला कि भाई लिखनी है बैठ के, टाइम निकाल के, नहीं तो हम ऐसे बैठ के लिखते नहीं हैं। जब मूड हो तब लिख लिया, लिखी वो पहली बार मुझे मंच पर, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो एक एक चीज़ मिली है, मोटिवेशन है। फिर मुझे ग्रुप में शामिल किया गया और मैं हमेशा जो गाना बहुत एडमायर करती थी बहुत ही, मुझे पता चला मंजू मैम ग्रुप में है जिन्होंने एक लव सॉन्ग लिखा है, तो मैं तो धन्य हो गई। हमारे लिए जो जंगल मन था वहाँ पे मुझे कभी नहीं पता चला, मैं पूछती रहती थी किसने लिखा है, कि हिंदी मैम थे उन्होंने लिखा है, लेकिन तो मुझे लगा कि मैं अब यहाँ से यहाँ पहुँची हूँ, फिर मैं उनके में दर्शन हूँ। तो जज्बातों का मिलन जब भी कलम की शाही से होता है, जज्बातों का मिलन जब भी कलम की शाही से होता है, एक नया इतिहास रचता है। अ वेरी लवली गुड इवनिंग टू ऑल द श्योरस एंड अपवेसेंट लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंट ओवर हियर। दिस इज माय प्राउड प्रिविलेज टू बी द पार्ट ऑफ दिस वार्षिक गोष्ठी, एंड आई एम हाईली प्रिविलेज दैट आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी द पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इवनिंग। क्या कहूँ, आई स्टिल रिमेंबर द डे, डेट एंड द ईयर। इट वॉज 16 September 2022 एंड the house of beautiful house of Lalita ji, when I have joined my first Goshti experience with along with the Manse Manch Tak Mahila Kavya Manch, and I still remember the feeling and emotion that were pondered hone ke baad hi mere jeevan mein parivartan aaya, and this is definitely a drastic change in my life, my personal development and everything, whatever I'm looking forward to. Main chaah rahi thi wo Seema ji ne kaha na antar man jo kahe wo sahi, wo mujhe mehsoos hua is manch se. तो ये सब चीज़ें रखती है, मैं बहुत ज़्यादा बेकार हूँ। अंत में सिर्फ मैं यही कह रहा हूँ, तमाशबीन दुनिया में जब गुम हो जाती है संस्कार, आती है हाथ में कलम और भावों का बिखर जाता है संसार। तभी तो मैं कहती हूँ हम कविताएं नहीं लिखते, हम जज्बात लिखते हैं। तभी तो मैं कहती हूँ कविताएं नहीं लिखते, हम जज्बात लिखते हैं। और ये आखिरी ये कविता है मेरी, पर मैंने दो ही इसके काव्यांश लिए हैं। आखिरी हम सभी स्त्रियों को डेडिकेट होती, महिला मंच को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ। बंद कमरों में मचल रही थी असंख्य नारियों की आवाज, बंद कमरों में मचल रही थी असंख्य नारियों की आवाज। कहना तो बहुत कुछ था, कहना तो बहुत कुछ था, पर देखा दिख ना रहा था कोई अभिव्यक्ति का मकाम। कहना तो बहुत कुछ था लेकिन दिख ना रहा था कोई अभिव्यक्ति का मकाम। ऐसे में उभर कर महिला काव्य मंच ने दी, ऐसे में उभर कर महिला काव्य मंच ने दी हजारों महिलाओं को एक नई पहचान। हजारों महिलाओं को एक नई पहचान, फूट पड़े वह अंकुरित बीज, फूट पड़े वह अंकुरित बीज, और प्रस्फुटित और पल्लवित हुई रचनाओं का नया सुरमय साज,
तभी तो मैं कहती हूँ हम कविताएं नहीं लिखते, हम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई एम ग्रेटफुल टू ऑल डॉक्टर श्रीपाल धीमान ऋषि जी, एक उत्कृष्ट गजल लेखक हैं और ओएनजीसी से सेवानिवृत्त हैं। इनकी कार्यों पर जो ये लिखते हैं उन पर गुजरात विद्यापीठ पर कई शोध कार्य भी कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 20 सालों में तो सभी मैं इससे ज़्यादा कुछ भी बोलूँगी नहीं, आप इनको सुनेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमने इन्हें आज यहाँ क्यों बुलाया। मैं बहुत ही आदर के साथ नमन कर डॉक्टर श्रीपाल धीमान जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। चाहे तो माँ शारदे को नमन करता हूँ मैं, चार वीडियो से बहुत सुंदर आपने माँ शारदे के स्तुति कि कोई पागल भी गुत्थी जिंदगी की खोल देता है, कोई पागल भी गुत्थी जिंदगी की खोल देता है, हवाओं में कोई वाणी से अमृत खोल देता है, और असंभव कुछ नहीं सद्बुद्धि और सद्ज्ञान के रहते अगर माँ शारदा चाहे तो गूंगा बोल देता। बड़ा महत्व आप लोग सब बताए, मैं भी ऐसे ही रहा हूँ, हम लोग गोष्ठी के माध्यम से बनते हैं, गोष्ठी में आपको कोई सिखाता नहीं है लेकिन आप स्वयं सीख जाते हो, क्योंकि जब आपको हर महीने आपको कुछ सुनाना है तो आपको लगेगा कि यार उसका अच्छा तो मैं भी ऐसा लिखूँ, तो जो अंदर से ये भावना आती है कि मैं भी अच्छा लिखूँ और आपको जो प्रतिभाव मिलता है, क्योंकि देखिए सामान्य तो क्या है कि फेसबुक लाइन ये सब और बहुत सारी चीज़ें सामान्य तो वहाँ कोई बहुत ज़्यादा नहीं कि वहाँ तो सुनने वाले कौन है पता नहीं, लेकिन यहाँ जो गोष्ठी है यहाँ तो कोई पता सुनने वाले कौन है, सारे जानकार हैं, तो वहाँ जो आपका प्रतिभा जो भी मिलेगा उसका बड़ा महत्व है वहाँ, क्योंकि ऐसे ही तालियां नहीं बजेगी, तालियां बजेगी वाली को धन होई भैया दूज, खिल बतासे और धान से इन त्योहारों की हो पूज, सुख समृद्धि घर आंगन में लारे लारे धानी खेत, मौसम को मद मस्त करें न्यारे न्यारे धानी खेत, हरे हरे खुशबू से भरे। देखिए बाली छुट्टी में ऐसे पानी है कि पानी में प्रतिबिंब निहारे धान की बाली बाला सी, पानी में प्रतिबिंब निहारे, पानी में प्रतिबिंब निहारे धान की बाली बाला सी, दानों की हर लड़ी लगे मेरी प्रिया की बाला सी, पानी में प्रतिबिंब निहारे धान की बाली बाला सी, दानों की हर लड़ी लगे मेरी प्रिया की माला सी, मेरी प्रिया से मुकाबला, मेरी प्रिया से मुकाबला, जारे जारे धानी खेत, मौसम को मत मस्त करे न्यारे न्यारे धानी खेत, हरे हरे खुशबू से भरे। जी एक प्रख्यात लेखक है और राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान में उप निदेशक के पद से सेवानिवृत्त है। मतले के साथ जिसका हर शेर है हसी, महबूबा बन गई है मेरी मैं जबी गजल, महबूबा बन गई है मेरी मैं जबी गजल, पहली गजल कही थी जो मैंने तेरे लिए, पहली गजल कही थी जो मैंने तेरे लिए, पहली गजल गई कही थी जो मैंने तेरे लिए, वो बन गई है आज मेरी नाम की गजल, नाम की गजल ये अति गजल बहुत आजकल क्या है ये अर्थ है अपना तो, और यहाँ तक पहुँचते हैं तो सिर्फ 10% तक ही हम जा सकते हैं, आगे जाएंगे तो जल जाएगा, तो ये जो है यहाँ से मतलब अभी धरती की कक्षा से निकल गया है और 14 जनवरी के आसपास ये वो उस पॉइंट पे पहुँच गया, नहीं नहीं रोशनी है उसमें क्या इस तरह के सेंसर लगे हुए हैं, कितना रेस है, कितना कोरोना है, क्या जैसे दूसरे लोग स्टडीज करते हैं तो हम लोग भी उसी तरह की स्टडीज करेंगे। इन 2020 सो इट हैज बीन अ सर्विस ऑफ 34 years, सो आई गॉट द जॉब एट द एज ऑफ 24 और ज़्यादातर मतलब मैं रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर में मैंने काम किया,
मतलब हिंदी में उसका जो वर्ड है, जो क्योंकि ऑफिस में कुछ लोग हिंदी में लिखते हैं ना, तो रिमोट सेंसिंग ये सुदूर संवेदन जिसको बोलते हैं, तो रिमोट सेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर में हम लोग ने काम किया, तो वो उस तरह से है कि जो मतलब बेसिकली जो सैटेलाइट का जो डेटा आता है, बेसिकली इसरो इज ऑल अबाउट टीम वर्क, मतलब हमारे 5 मेन सेंटर है, तो एक सेंटर है जो रॉकेट बनाता है, हमारा सेंटर जो है वो सेंसर जो कैमरा जो ऊपर जाके ऊपर से फोटो लेगा वो हमारा सेंटर बनाता है, जो हैदराबाद वाला सेंटर है वो लोग जो है वो डेटा रिसीव करते हैं, और जो बेंगलोर का जो सेंटर है हेडक्वार्टर भी है, बट ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो एक कंट्रोल चाहिए नीचे से, टेलीमेट्री एंड टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड, इट इज फॉर दैट। रोती संग हंसती भी, कविता रोती संग हंसती भी, कविता अंतर में बसती भी, कविता आंसू को चखती है, कविता आंसू को चखती है, कविता अंतर में बसती है, कविता सीमाओं पर डटती, कविता सीमाओं पर डटती, कविता स्नेह को कसती, कविता सीमाओं पर डटती, कविता स्नेह को कसती, शब्द ब्रह्म ही तो कविता, शब्द ब्रह्म ही तो कविता, जिसका है वो ही रचेता, अरे वाह, जिसका है वो ही रचेता, ना उसे तलाश मत करना तू, ना उसे तलाश मत करना तू, वो तो अंतस का मन आंगन, ना उसे तलाश मत करना तुम, वो तो अंतस का मन आंगन, बस झांक जरा सा लेना तुम, बस झांक जरा सा लेना तुम, अपने भीतर पा लेना, अपने भीतर पा लेना तुम। कार्य मंच के नाम से कार्य कर रही है और लोग मंच से मंच तक उनकी आवाज महिलाओं की पहुंच रही है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा करीब 48 देश में भी इसकी शाखाएं खुल गई हैं और वहाँ भी ये काम बहुत अच्छे तरह से चल रहा है, तो ये अपने आप ही एक वेब बनता जा रहा है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सब लोग इस तरह से।